आज हम बनाएंगे 2.1 स्पीकर सिस्टम बोर्ड जिसमें सिंगल आईसी TDA 7377 लगी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने PCBWay.com से PCB बनवाकर मंगवाया। कैसे मंगवाया ये वीडियो के अंत में देखेंगे। पहले बोर्ड बनाएंगे। ये हैं इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स। आप चाहें तो यूटी सोर्स से खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप सिंगल साइड का बोर्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेंगे 4 जम्पर्स और 6 पीस रेजिस्टेंस हैं 10K की। इसमें सारी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में लगी हैं। दो रेजिस्टेंस हैं 2K7 या 2.7 KV बोलते हैं इसे। 5 पीस हैं 8.2K जिसे 8K2 भी बोलते हैं। और एक पीस है 3.3K या 3K3 भी बोलते हैं। और एक पीस है 68K और 3 पीस रेजिस्टेंस हैं 47K। और 3 पीस 1K। और 2 पीस हैं 1K8 या 1.8K कह सकते हैं। 2 पीस हैं 22K। और 2 पीस हैं 6K या कहें तो 6.8K। और 2 पीस IC हैं 4558। इसमें कट का निशान बना हुआ है, देख कर लगाएंगे। 2 कैपेसिटर हैं डबल नोट 47 जिसपे लिखा रहता है 472। 2 कैपेसिटर हैं नोट 47 जिसपे लिखा रहता है 473। और 1 कैपेसिटर है नोट 1 इसपे लिखा रहता है 103। 2 कैपेसिटर हैं डबल नोट 68 जिसपे 682 लिखा हुआ है। और 1 कैपेसिटर है 0.22 UF इसपे लिखा हुआ है, वैसे किसी किसी पे 224 भी लिखा रहता है। और 7 कैपेसिटर हैं 0.1 जिसपे लिखा रहता है 104। और 4 कैपेसिटर हैं 100 UF 25 वोल्ट में। इस प्रकार के जो कैपेसिटर हैं देख कर लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस होता है। एक कैपेसिटर है 1 UF 50 वोल्ट में, ये 25 वोल्ट में भी लग सकता है। 2 कैपेसिटर है 10 UF ये भी 25 वोल्ट में चल जाएगा। 5 कैपेसिटर है 4.7 UF 50 वोल्ट में है, ये कम वोल्ट में भी चल सकता है लेकिन ज़्यादातर 50 वोल्ट में ही मिलते हैं। एक कैपेसिटर है 22 UF 63 वोल्ट में, वैसे इसमें 25 या 50 वोल्ट भी चल जाएगा। एक LED है, ये 3 mm की है, आप चाहें तो 5 mm भी लगा सकते हैं। इसमें भी प्लस माइनस होता है, देख कर लगाएंगे। 2 पीस हैं 100 PF जिस पर लिखा रहता है 101। 4 पीस डायोड हैं 6A4 ये भी देख कर लगाएंगे, इसमें निशान बना हुआ है। 1 पीस है रेगुलेटर 7812 इस पर हीट सिंक लगा लेते हैं क्योंकि ये हीट होता है।
एक पीस है कनेक्टर बेस, ये लगा लेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। 6 कैपेसिटर हैं 2200 EF 25 वोल्ट में। बाकी के कनेक्टर बेस बाद में लगा लेंगे क्योंकि बोर्ड हम पलट कर कटिंग करेंगे तो ये गिर जाते हैं। यह आईसी TDA 7377। अब करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। कटिंग के बाद अब लिक्विड फ्लक्स लगा देते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग। जो भी हमारे कनेक्टर रह गए थे वो भी लगा लेते हैं, और कनेक्टर भी सीधे देखकर लगाने हैं। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। अब आईसी पर हीट सिंक लगाएंगे। बोर्ड रखकर निशान लगा लेते हैं। हीट सिंक में अब होल करेंगे। आईसी पे कंपाउंड लगा लेंगे। और स्क्रू और नट की सहायता से इसे कस लेंगे। बोर्ड सीधा रखने के लिए प्लास्टिक के पिलर हैं, ये लगा लेते हैं। अब कस लेते हैं। कंप्लीट है आपका बोर्ड। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट 3 एम्पियर, मार्केट में से वैसे 5 एम्पियर का बोल कर देते हैं, ले सकते हैं आप। एक ड्यूल पोटेंशियोमीटर है 47 के का, ये वॉल्यूम के लिए लगा लेंगे। और एक ड्यूल 100 के का है, ये ट्रेबल के लिए लगाएंगे। एक पोटेंशियोमीटर है 47 के का, यहाँ पर ड्यूल की आवश्यकता नहीं है, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, एक ही साइड की वायर लगी हुई है इसमें। अब फोन से कनेक्ट करने के लिए लीड लगा लेते हैं। दो इसमें 3 इंची छोटे स्पीकर चलेंगे तो इसको कनेक्ट करने के लिए लीड लगा लेते हैं। और एक 4 इंची वूफर के लिए भी लीड लगा लेते हैं। स्पीकर सॉकेट लगा हुआ है इसमें। अब दोनों 3 इंची स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं।
और ये है 4 इंची बूफर, इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऊपर को एक बॉक्स में कस लेते हैं, नहीं तो बेस का पता नहीं चलेगा। अब प्ले करके देखते हैं। अब बात करेंगे पीसीबी मंगवाने की, तो सबसे पहले सर्च करेंगे pcbway.com, क्लिक करेंगे, ये साइट खुल गई। अब यहाँ साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, क्रिसमस का ऑफर चल रहा है और यहाँ पर ये कूपन कई प्रकार के दे रखे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कूपन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पीसीबी की कम कीमत है इसलिए ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ये ऐड हो गया। अब वापसी उसी पेज पर आएंगे और पीसीबी की डिटेल डालेंगे, यहाँ डिजाइन, यहाँ साइज, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद लेयर, थिकनेस, मिनिमम स्पेस, मिनिमम होल, फिर कलर और बाकी डिटेल भी देखकर भर देंगे। अब कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ कोरियर सर्विस और कंट्री। अब यहाँ अपलोड करेंगे गर्वर फाइल। अपलोड होने के बाद ये आपकी फाइल टेस्ट करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ओके हो जाएगा। अब ओके हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पे करने के लिए। हम पेपल को ओके कर लेते हैं। जो हमने क्रिसमस कूपन ऐड किया था, अब यहाँ टोटल में से माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये माइनस हो गया। अब यहाँ क्लिक करेंगे और पे कर देंगे। उसके बाद एक सप्ताह बाद हमें ये मिल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।